एमएम लेगेसी में विकसित स्वरोजगार के शॉर्ट टर्म स्किल्स को सीखकर छात्र सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं। कुछ ग्रेजुएट्स ने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद रायपुर में अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जिसमें किसी भी स्कूल के क्लास 6 से 12 के छात्रों को शॉर्ट टर्म जॉब स्किल्स कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। डांस, ड्रामा और म्यूजिक में रुचि रखने वाले छात्रों ने सेंटर में सिखाई जा रही स्किल्स के प्रचार हेतु एजुकेशन रिफॉर्म वीडियो बनाया है। छात्रों द्वारा फिल्मी सॉन्ग कहीं शर्म वरम में छुपी हो ऐसी खूबियां, कहीं नरम गरम में थमी हो ऐसी खूबियां, शो मी योर जलवा को लेकर तैयार वीडियो प्रस्तुत है। कहीं शर्म वरम में छिपी हो ऐसी खूबियां, कहीं नरम गरम में थमी हो ऐसी खूबियां, कहीं चाल ढाल में दबी हो, कहीं जोश वोश में दिखी हो, कहीं चाल ढाल में दबी हो, कहीं जोश वोश में दिखी ऐसी खूबियां। सूर्य की गर्मी पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक समान नहीं होती है, इसलिए गर्मियों में नदियां सूख जाती हैं और बरसात के मौसम में बाढ़ से जीवन बाधित होता है। नदियां हर मौसम में भरपूर जल को लेकर बहे, इसके लिए निकटतम समुद्र तट से पानी को उठाकर उपयुक्त स्थान पर समुद्री जल झील निर्माण का सुझाव प्रोफेसर महाजन ने दिया है। समुद्री जल झील के निकट नमक निकालने के संयंत्र लगाने से लोगों को रोजगार मिलेंगे। नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में समुद्री जल झील का निर्माण प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ सीमा से आंध्र प्रदेश में काकीनाडा समुद्री तट सबसे करीब है। गूगल मैप समुद्री झील निर्माण के लिए काकीनाडा और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और ब्रह्मपुर उड़ीसा तीन रूट दर्शाता है। काकीनाडा सबसे करीब होने के कारण चिन्हित किया है। भविष्य में पानी की कमी को पूरा करने और लोगों के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा करने के लिए प्रोफेसर महाजन ने छत्तीसगढ़ राज्य में समुद्री जल झील मॉडल कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग प्रस्तुत की है। समुद्री जल झील मॉडल राज्य के वाटर टेबल को स्थिर बनाए रखने और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी होगा। जल गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए डीओ मैकेनिक ट्रेनिंग लोगों को जॉब पाने के लिए उपयोगी होगी और समुद्र झील निर्माण कार्य के लिए उन्हें लैंड सर्वेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लोग डिजिटल भूमि सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग करके पाइपलाइन लेआउट तैयार करेंगे। एमएम लेगेसी नौकरियों, नए उद्यमों की स्थापना और मल्टीटास्क ट्रेड्स के अवसरों से भरा है। ZMAT फाउंडेशन ग्रेजुएट्स को मात्र 5 दिनों की ट्रेनिंग के बाद स्कूली छात्रों के लिए स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर खोलने में पूरा सहयोग करता है। छात्र स्कूली शिक्षा के साथ साथ पार्ट टाइम में जॉब स्किल्स सीखते हैं। प्रत्येक स्किल्स सीखने का सत्र 3 महीनों का होता है और केवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के एग्जाम से उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। नए उद्यम इस प्रकार हैं।
स्कूलों में मैथ लैब की स्थापना, पेयजल गुणवत्ता आकलन के लिए डीओ मैकेनिक लैब, पटवारी मानचित्र बनाने के लिए भूमि सर्वेक्षण प्रयोगशाला, सोशल इंजीनियरिंग प्लान, बीओटी प्रोजेक्ट आदि। स्कूली छात्रों को यूनिट स्लोप ग्राफ बुक बनाना, किसानों को फसल उत्पादित क्षेत्र का भूमि उपयोग रिकॉर्ड रखना और डीएलएस उपकरणों का उपयोग करके भूमि सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा फीड बुक रिकॉर्ड रखना आदि मार्केटिंग ट्रेड सिखाना। इन स्किल्स को सीखकर छात्र सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं। जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी, बिन संघर्ष किए तुझको जीत विरास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया, ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा, बस सोचने से कुछ ना होगा करने से होगा, बस सोचने से कुछ ना होगा करने से होगा, घुट घुट के जीने से ना होगा लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह ना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो, डटे रहो।